टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया दौरे के बीच एक और विवाद खड़ा हो गया है। मेलबर्न के एक रेस्टोरेंट में टीम इंडिया के खिलाड़ियों के खाना खाने को लेकर सोशल मीडिया पर गुस्सा उतारा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कप्तान रोहित शर्मा, शुभमन गिल, नवदीप सैनी, ऋषभ पंत और पृथ्वी शॉ मेलबर्न में न्यू ईयर के दिन एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाते दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि रेस्टोरेंट के अंदर जाना क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बायो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक बिल भी वायरल हो रहा है जिसे लेकर टीम इंडिया के क्रिकेटरों पर गुस्सा उतारा जा रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने इसे टीम इंडिया के खिलाड़ियों का बिल बताया और दावा किया कि उन्होंने बीफ और पोर्क का ऑर्डर किया था, जिसके कैप्शन में लिखा है शर्मा जी का बेटा बीफ खाता है। हालांकि बिल सही है या नहीं इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स इस बिल को लेकर टीम इंडिया के खिलाड़ियों को ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने टीम इंडिया और उसके खिलाड़ियों का बचाव भी किया है। साथ ही भारतीय खिलाड़ियों के रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने के दौरान वीडियो वायरल करने वाले ट्विटर यूजर ने माफी मांगी है। भारतीय क्रिकेट टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है, जहां 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। रोहित शर्मा के अलावा शुभमन गिल, ऋषभ पंत, नवदीप सैनी और पृथ्वी शॉ पर बायो सिक्योर प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप लगे हैं। इसके बाद इन खिलाड़ियों को आइसोलेशन में भेजा गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच 7 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। टेस्ट सीरीज में फिलहाल दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं।